बक्सर नगर थाना क्षेत्र से गायब बच्चे राजकोट से बरामद। बक्सर नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी से गायब दो बच्चों को राजकोट से बरामद कर लिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि ये बच्चे पिछले दिनों गायब हो गए थे, जिसके बाद नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नगर थाना अध्यक्ष ने इस मामले में काफ़ी जांच पड़ताल की और यह बताया कि बच्चे संभवतः जूनागढ़ गए होंगे, जहां उनका एक चचेरा भाई रहता है। इस सूचना के आलोक में पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों बच्चों को जूनागढ़ जाने वाली ट्रेन से राजकोट के समीप बरामद कर लिया गया है। टाउन SHO थे, वो काफ़ी होमवर्क करके आए थे और उन्होंने एक रफ आइडिया हमको दे दिया था कि ये जो बच्चे हैं ये हो सकता है कि जूनागढ़ की तरफ जा रहे होंगे और जबलपुर से इन्होंने ट्रेन चेंज की होगी। तो जबलपुर से हमने देखा जूनागढ़ जाने के लिए कौन सी गाड़ी थी, तो हमको एक गाड़ी नंबर एक है वो जूनागढ़ तक जाती है, उससे हमने जो है फिर राजकोट में कोऑर्डिनेट किया और दोनों को फिर वहाँ सकुशल रिकवर कराया। अभी तक क्या मालूम चला है सर, ये खुद गए थे या फिर कोई लेके जा रहे थे? अभी नहीं, कोई लेके नहीं, ये सब स्वेच्छा से ही जा रहे थे अपने भाई से मिलने। इनका एक चचेरा भाई है जो जूनागढ़ में रहता है, जी, उसी के पास ही जा रहे। तो बच्चों को लाया जा रहा है? हाँ, बच्चे, हाँ, लोकल पुलिस की टीम निकली है, तो फिर वो वहाँ से जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके लेके आएगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।